नमस्कार। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक एग्जाम लॉन्च किया है क्लास 9th और 11th के विद्यार्थियों के लिए। उसका नाम है यशस्वी और इसको हम बोलते हैं YAT आल्सो। और यशस्वी स्टैंड्स फॉर द यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया और इसको NT ने लॉन्च किया है। और ये एग्जाम 9th और 11th क्लास के बच्चों के लिए होने वाला है। इसमें बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिलने वाली है। और इस एग्जाम को करवाने वाला डिपार्टमेंट है वो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट है। और इस एग्जाम की जो डेट है वो 29 सितंबर को एग्जाम होगा। ये एग्जामिनेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये एग्जामिनेशन उन बच्चों के लिए है जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपीज से कम है। और स्पेशल कैटेगरीज आप उनकी डिटेल नीचे दिए गए लिंक पे देख सकते हैं कि अगर आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है या नहीं है। साथ साथ आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका स्कूल इस एग्जाम में बैठने के लिए आपको एलिजिबल करता है या नहीं करता। आइए थोड़ा सा जानते हैं इसके पेपर पैटर्न के बारे में। इसके पेपर पैटर्न में 100 क्वेश्चन आएंगे और 2.5 घंटे का पेपर होगा और 100 नंबर का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और 2.5 आवर्स। और एक मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन होगा। हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ही करेक्ट होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मैथ्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे और सोशल साइंस के भी 25 क्वेश्चन आएंगे और GK के 20 क्वेश्चन आएंगे। तो कुल मिला के 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 2.5 आवर्स का पेपर होगा। आइए अब कुछ खास बातें समझते हैं। ये एग्जाम क्लास 9th और 11th के बच्चों के लिए हो रहा है। इसमें जो सिलेबस पूछा जाएगा 9th वाले बच्चों से 8th क्लास वाला सिलेबस पूछा जाएगा, 11th वाले बच्चों से 10th क्लास वाला सिलेबस पूछा जाएगा। यानी कि आपको अपने पिछले क्लास के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना पड़ेगा। इसका क्या फायदा होगा, क्या स्कॉलरशिप मिलेगी? देखिए अभी तक ऑफिशियल जो बुलेटिन जारी हुआ है इसमें स्कॉलरशिप के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दे रखी है, लेकिन एक अमाउंट समझ में आता है कि कुछ मंथली स्कॉलरशिप मिलेगी और कुछ एक लमसम अमाउंट मिलेगा। मंथली स्कॉलरशिप आपको 2,000 से लेकर 3,000 रुपये के बीच में कुछ मिल सकती है। साथ में एक मुश्त अमाउंट होगा जो 75,000 से लेकर 1,25,000 के बीच में कुछ अमाउंट हो सकता है, ये आपको मिल सकता है। और ये भी साथ में ब्रोशर पर की समझ में आता है कि ये आपको हायर एजुकेशन के लिए आपको सपोर्ट करेगा प्रोग्राम। तो हो सकता है कि ये अमाउंट आपके अकाउंट में जब क्रेडिट हो, जब आपको हायर एजुकेशन के लिए आपको जाना है। लेकिन ये हायर एजुकेशन सिर्फ इंडिया के लिए एप्लीकेबल होगी। अगर आप अब्रॉड भी जाकर हायर एजुकेशन करते हैं तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये बेसिक बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये पहली बार गवर्नमेंट की स्कीम लॉन्च करिए और मुझे लगता है कि 9th और 11th क्लास के जो बच्चे इस स्कीम के अंतर्गत एलिजिबल है उनको इसका जरूर फायदा उठाना चाहिए। हम रेजोनेंस में आप लोगों के लिए एक सैंपल पेपर भी लॉन्च कर रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमारा जो नीचे दिया गया लिंक है इस पर अगर आप अपना फॉर्म फिलअप करते हैं तो हमारे सैंपल पेपर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इस एग्जाम को जल्दी जल्दी रजिस्टर कीजिए, बिकॉज लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन करने की वो 10th अगस्त है। तो आपके पास समय कम है, इसको जल्दी जल्दी रजिस्टर कीजिए। और किसी भी जानकारी के लिए आप रेजोनेंस के यूट्यूब चैनल को, फेसबुक को फॉलो करते रहिए, जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इस एग्जाम के बारे में मिलती रहेगी। धन्यवाद।